एम एंटरटेनमेंट के तत्वाधान में मिस्टर एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 प्रतियोगिता के आखिरी ऑडिशन का आयोजन एक निजी जिम में किया गया, जिसमें 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस शो में मॉडल वंदना यादव, विश्वजीत झा, विवेक पाठक ने जज का रोल निभाया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के आयोजक मनीष मिश्रा ने बताया कि फैशन शो है जिसमें नए नए युवा फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को आगे दिखाना चाहते हैं, तो इस शो के माध्यम से युवाओं को एक अच्छा स्कोप मिलेगा तथा मॉडलिंग के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आगे उनको वेब सीरीज, टी सीरीज और जी टीवी पर काम करने का हर जगह मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के युवा यहीं रहकर काम करें और गोरखपुर का नाम रोशन करें। वहीं मॉडल वंदना यादव ने बताया कि जनपद के लड़के व लड़कियां मोटिवेट होकर आगे जाएं और उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पर अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि अपना अच्छा टैलेंट दिखा सकें। इस अवसर पर इवेंट पार्टनर मीरा, रवि फूड पार्टनर, जेल रेस्टोरेंट, शुभम चौहान, आलोक चौधरी, अभिषेक रावत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वजीत झा, विवेक पाठक, अमरीश राजपूत, मनीष मिश्रा एवं वंदना यादव ने कहा। मेरा नाम विश्वजीत झा है और गोरखपुर से मैंने भी एक मॉडलिंग इंडस्ट्री में कई सारे अचीवमेंट्स हैं मेरे। ये एक पेजेंट शो है और फैशन से रिलेटेड है, जिसमें नए नए युवा जो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को आगे शो करना चाहते हैं, और इसमें हमने सिंगिंग और डांसिंग को भी जगह दिया है। कुछ युवा हैं जो टैलेंटेड तो हैं मगर कई जगह वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शो के माध्यम से बच्चों को एक अच्छा स्कोप मिलेगा, हो सकता है एक अच्छा फ्यूचर भी उनसे रिलेटेड हो, बिकॉज हमारा बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं और जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी ग्रूमर्स और बहुत सारे एक अच्छे लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो मिस इंडिया भी आ रही हैं हमारे शो में, तो हम बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा जैसा कि शो है मिस्टर मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022, तो इसके थ्रू हम एक बच्चों को एक टैलेंट दिखाने का मौका देना चाहते हैं, जिसके लिए प्रयासरत हैं कि आगे भी गोरखपुर के बच्चे इंडिया लेवल पे एक मेट्रो सिटी में जो चीज़ें प्रूफ हो पा रही हैं, वो एक छोटे सिटी से भी बढ़ के बच्चे उस जहाँ तक पहुँच सकें। बच्चों के लिए यही है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप चाहते हो एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूफ करना, तो हमारे यहाँ आपका वेलकम है। और जैसा कि हम लोग भी एक स्टेज पे आगे बढ़े हैं, आपको भी मौका देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे भी आगे बढ़ चढ़ के हमारी तरह ही नाम कमाएँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म करें। हेलो, माई सेल्फ विवेक पाठक, आई एम अ मॉडल एक्टर एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ विक्टी प्रोडक्शन, एंड थैंक्स टू आवर शो ऑर्गेनाइजर मिस्टर मनीष मिश्रा जी, ये हमारे गोरखपुर को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे जो हमारा यूथ है उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें
और एक अच्छा करियर बना सके मॉडलिंग के फील्ड में, डांसिंग सिंगिंग के फील्ड में। तो गोरखपुर में आज के टाइम पे बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं जो पब्लिक को आगे मोटिवेट कर रही हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैं चाहता हूँ जो गोरखपुर की जनता और साथ में बाहर के सिटीज़ की भी जो यूथ है हमारी, वो आके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो हमारा शो है मिस्टर मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 एक नॉर्थ इंडिया लेवल का इवेंट है। इसमें हर जो बच्चा है वो पार्टिसिपेट करे और अपने करियर को इस फील्ड में आगे बनाए। थैंक यू। मेरा नाम अमरीश राजपूत, मैं एक इवेंट सर। एम एंटरटेनमेंट ने एक सोच रखा कि वो लोग पहले, जैसे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, तो सब लोगों ने पहले यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट विनर था, मॉडल था, तो उसके थ्रू हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा इवेंट करें जिससे यहाँ के यूथ को कुछ आगे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जा सके। तो जैसे जैसे चीज़ें जुड़ती गईं और एम एंटरटेनमेंट ने इस चीज़ों को इनिशिएटिव लिया, और आज नॉर्थ इंडिया और जो 2022 चल रहा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और इसमें हम बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं 9 हैं वो उनको प्रमोट कर रही है, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का भी। और आज लगभग सर हमारे 40 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले हमारे 2 ऑडिशन और हो चुके थे, और हमने फिनाले का डेट भी अनाउंस कर दिया है 25th of March को द ग्रैंड रोमानिया में। तो हमारा यही है कि जो नई जनरेशन है वो आए आगे बढ़े। हम वो हमारे एम एंटरटेनमेंट के ये मनीष मिश्रा और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ये इवेंट इंडिया लेवल तक जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं एम एंटरटेनमेंट का ऑर्गेनाइज़र हूँ। मिस्टर मिस नॉर्थ इंडिया का शो हो रहा है, हम बच्चों को यह प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो सिंगिंग डांसिंग और मॉडलिंग में पार्टिसिपेट कर सके, और हम आगे उनको फ्यूचर में वेब सीरीज़ टी सीरीज़ जी टी वी पर काम करने का मौका देगा। हमारी टीम उनको हर जगह मौका देगा काम करने का। तो हम चाहते हैं जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो सब पार्टिसिपेट गोरखपुर से काम करें और गोरखपुर का नाम आगे लेता जाए। यही हमारा संदेश है, और यही हम चाहते हैं कि जितने भी हमको देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं कंटेस्टेंट, सोच आगे रखें अपनी, जो भी उनको मॉडलिंग डांसिंग सिंगिंग जिसमें भी पार्टिसिपेट करना है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वंदना यादव, मैं यहीं गोरखपुर से हूँ, मैंने भी यहीं से स्टार्टिंग करी है गोरखपुर से, और आज मैं बाहर जाती हूँ। बहुत सारे मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ मेरी तरह ही बाहर जाएं, अपना नाम बनाएं। मैं यही कहूँगी कि गोरखपुर में ऐसे शोज़ होने चाहिए और भी होने चाहिए, बिकॉज़ हमने भी यहीं से स्टार्टिंग करी है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के लड़कियाँ जो हैं वो आगे निकलें। जैसे मैं यहाँ से निकली, मैंने भी स्टार्टिंग यहीं से करी थी, और आज मैं बाहर जाके अपना नाम बना रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ यहाँ की लड़कियाँ आगे जाएँ, और मैं यहाँ के ये सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं इन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि और ऐसे शोज़ बनाएं जिससे यहाँ के बच्चे मोटिवेट हों, आगे जाएं, और उनको बाहर उतना जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको यहीं पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो अपना टैलेंट शो कर पाएँ, जैसे मैं और माँ हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो थैंक यू। नई बार के लिए क्या कहेंगे? हाँ, नई बार है। मैं ये कहूँगी कि अपना जो भी आपका टैलेंट है वो आप आगे लाइए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले स्टार्टिंग यहाँ से करिए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म ये लोग दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए, अपने टैलेंट को हाइड मत करिए। थैंक यू।